respect to the image in mirror M2 is n times of v sin theta, then find the value of n. अब देखो सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करने पे आएंगे तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ जो इमेज की वेलोसिटी आने वाली है वो भी v आने वाली है। ये इसी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई एक प्लेन मिरर से पैरेलल डायरेक्शन में कोई एक पार्टिकल मूव करता है, जैसे ये मूव कर रहा है v में, तो ऑब्जेक्ट अगर जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में क्या आने वाली है, इमेज की वेलोसिटी यहाँ पे आने वाली है। पहली चीज तो यहाँ क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि चेंजेस आते हैं हमारे पास तब जब ऑब्जेक्ट के पास दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी हो। जैसे मान लो कि इस वाले पार्ट में अगर आप यहाँ देखो तो इस लाइन को आप आगे बढ़ाओ, आप ऐसे देख सकते हो कि अगर ये नॉर्मल हुआ तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया ना बेटा, 90 माइनस थीटा हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक कंपोनेंट जो हुआ वो हो गया हमारे पास v साइन थीटा, और ये कंपोनेंट जो हो गया वो v कॉस थीटा हो चुका है। मतलब हम ऐसे कहें कि ये वाला जो पार्ट है ये है ना, उसमें दो वेलोसिटी के कंपोनेंट है, एक तो ऐसे ही हूं और एक पैरेलल है ऐसे। ये हो गया v cos थीटा और ये हो गया हमारे पास v sin थीटा। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो v cos थीटा होगा वो प्लेन मिरर के पैरेलल है, तो ये v cos थीटा रहने वाला है और ये v sin थीटा ऐसे आने वाला है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस vm माइनस वीओ यहाँ पे होता है। पर यहाँ प्लेन मिरर की कोई वेलोसिटी तो है नहीं, तो हम वो नहीं कहेंगे। तो अब देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर वन आप क्या कहने वाले हो, वो तो सीधा सीधा हमारे को दिख रहा है कि वी आई के पाने वाला है। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर टू वो हम क्या लिखेंगे, तो वहां पे आप देखो दो चीजें हैं, ये कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है बेटा, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है तो मैंने क्या कहा, ये एक्स डायरेक्शन हो गई और ये y डायरेक्शन हो गई। अब मुझे इसके कंपोनेंट करने हैं, तो कंपोनेंट करने का एक सीधा सा तरीका ये है, ये एंगल थीटा था तो ये भी सॉरी 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा हो गया। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एंगल थीटा है, एंगल क्या है थीटा, तो ये देखो v cos स्क्वायर थीटा एक कंपोनेंट और ये v cos थीटा sin थीटा एक कंपोनेंट हो गया v cos थीटा का। ऐसे ही v sin थीटा का ये कंपोनेंट क्या होगा, अगर आप देखोगे तो ये आएगा v sin थीटा cos थीटा और इधर वाला कंपोनेंट v sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर आप कहोगे तो आप यही कहोगे ना कि v cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये तो कौन सी डायरेक्शन के अलोंग है, i प्लस दूसरा हम कह सकते हैं कि 2v sin थीटा cos थीटा, ये किसके अलोंग है, जे केप के। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि v cos 2 थीटा i केप प्लस v sin 2 थीटा जे केप ये आ चुका है। तो अब आप यहाँ क्या कहने वाले हो कि वेलोसिटी ऑफ इमेज वन विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ इमेज टू क्या आने वाला है, v माइनस v cos 2 थीटा i केप प्लस v sin थीटा sin 2 थीटा, सॉरी यहाँ पे वैल्यू जो आने वाली है और यहाँ भी माइनस आएगा, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस वी साइन टू थीटा जे के। तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, वी का मैग्नीट्यूड आप निकालोगे अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस टू थीटा का स्क्वायर प्लस साइन टू थीटा का स्क्वायर, और v तो यहाँ बाहर आ ही जाएगा क्योंकि v दोनों में कॉमन, ठीक है ना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि v अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस टू कॉस टू थीटा, यहाँ माइनस आएगा, प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, v कॉमन लिया हमने अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर टू थीटा और कॉस स्क्वायर टू थीटा क्या हो जाएगा बेटा,
ये वन हो जाएगा, वन प्लस वन कितना हो गया टू, तो टू वन माइनस कॉस टू थीटा, जो आप लोगों को पता है टू साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है, वी टू साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो अंडर रूट लेंगे तो टू साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा आ जाएगा। तो उसने देखो वी साइन थीटा के आगे एन की वैल्यू पूछी हुई है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितने आने वाली है हमारे पास, टू आने वाली। तो ये हमारे पास प्रोसीजर होने वाला है कैलकुलेशन का, इस तरीके से हमारे को कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते, और अगर नहीं तो रेज योर हैंड ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। ओके, मोस्ट प्रोबेबली सभी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो कि एक अगला क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, हियर थीटा इज द मैक्सिमम एंगल फॉर विच द लाइट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट वर्टिकल सरफेस, ठीक है। देन साइन थीटा विल भी आपसे पूछा हुआ है कि साइन थीटा विल यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो यहाँ पे कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, सीधे सीधे अगर हम फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस के लिए हम बात करें, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, थीटा इज द मैक्सिमम एंगल फॉर विच लाइट सफर टी आई आर। इसका मतलब ये वाली जो सरफेस है, ये वाली, यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास टी आई आर, यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि थीटा डबल डैश मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई सी। और अगर हम दोनों तरफ यहाँ पे साइन लेंगे तो साइन थीटा डबल डैश इज इक्वल टू साइन आई सी आने वाला है, और आपने पढ़ा होगा साइन आई सी जो होता है वो वन अपॉन म्यू रिलेटिव, दैट इज म्यू ज्यादा अपॉन म्यू कम, तो ज्यादा वाला कितना है 1.25, ठीक है, और कम वाला 1 है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है बेटा ये 4/5 आ जाएगा। तो यहाँ से हम ऐसे कह सकते हैं कि थीटा डबल डैश की वैल्यू 53 डिग्री आ चुकी, थीटा डबल डैश की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 53 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है इस जगह पे, ये एंगल 53 डिग्री है क्योंकि 45 आया ना, सॉरी 4/5 आया, तो ऑब्वियस सी बात है ये 37 डिग्री रहा होगा क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यही होने वाला है। तो इसका मतलब थीटा डैश इज इक्वल टू 37। और अब हम यहाँ स्नेल्स लॉ लगाए, स्नेल्स लॉ है ना, कहां से 1 और 2 के बीच में जब आप लगाओगे तो ये लिखोगे ना कि साइन थीटा कॉन साइन 37 इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 आता है, तो म्यू 2 कितना हो गया 1.25 और म्यू 1 कितना है 1। तो यहां से देखो कितना आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू ये आया 5/4 इनटू साइन 37 कितना होता है 3/5, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो थीटा मस्ट बी इक्वल टू 37। बट सबसे बढ़िया बात यह है कि उसने साइन थीटा की वैल्यू ही पूछी है, दैट इज 3/4, आप इसको लिख सकते हो 0.75। ये आंसर हमारे पास होने वाला है। आई थिंक दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज यू कैन सी, आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे हम एक अलग क्वेश्चन पे आए हैं। देखो यहाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी आप कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या है, परसेंटेज ऑफ लाइट एनर्जी दैट एस्केप फ्रॉम द वाटर सरफेस, ऐसा कुछ पूछा हुआ है हमारे से। तो इसको किस तरीके से हम करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे एस्केप एनर्जी जो होती है, एस्केप एनर्जी की अगर आप बात कर रहे हो, एस्केप एनर्जी आप ऐसे कह सकते हो टोटल एनर्जी है ना, ये वैसा है। देखो जब टोटल एनर्जी होती है तो उसके पास मैक्सिमम एंगल चारों डायरेक्शन का कितना हो जाता है 4π, तो 4π टोटल एंगल है तो टोटल एनर्जी कुछ है, ठीक है। तो यूनिट पे क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय 4π। तो थीटा एंगल होगा सॉलिड एंगल, तो क्या आ जाएगा TE डिवाइड बाय 4π इंटू थीटा। तो यहाँ जो थीटा आने वाला है इसको मैंने 4π से डिवाइड किया, और ये थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास सॉलिड एंगल। क्यों, क्योंकि आप अगर थोड़ा इसको समझोगे तो यहाँ पे ऐसा देखो ये सरफेस हो गई हमारे पास,
और किसी जगह पे पॉइंट सोर्स रखा हुआ है तो वो ऐसा एंगल बनाता है यस चारों तरफ में, तो ये थ्री डायमेंशन में बनने वाला एंगल होता है जिसे आप क्या कह सकते हो सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल की वैल्यू अगर आपको पता हो तो ये होती है, यहाँ तो हम लिख देंगे टी अपॉन फोर पाई और ये आ जाएगा टू पाई वन माइनस कॉस जो यहाँ वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे हमें पता है इसको मैं आई सी लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम कहाँ तक विजिबिलिटी होती है क्रिटिकल एंगल तक, तो ये हमारा आई सी हो गया। अब हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, आप देख सकते हो ये इससे टू टाइम्स तो आ गया टी अपॉन टू वन माइनस कॉस आई सी, ठीक है। अब आई सी निकालने के लिए हम क्या करें, आपको दिख रहा है कि अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं यहाँ की, ये वाटर है और यहाँ बाहर क्या है एयर हमारे को दे रखा है, ठीक है। आप क्या लिखा लोगे, म्यू वन यानी फोर बाई थ्री साइन आई सी इज इक्वल टू वन इंटू साइन 90, जब बाहर जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, सरफेस के पैरेलल हो जाएगी, ये लास्ट एंगल होगा, तो साइन आई सी की वैल्यू 3/4 हो गई, तो कॉस आई सी की वैल्यू सीधी सी बात है ये एंगल आई सी 37 हो चुका है ना, तो आप यहाँ कह सकते हो कि कॉस आई सी की वैल्यू 4/5 आ जाएगी। तो यहाँ जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 1/2t 1-4/5 तो ये आ गया t/10 आ चुका है, क्योंकि 1-4/5 विल बी 1/5, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दिया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको चेक सही करना पड़ेगा। यहाँ पे 3/5 होता है तो ये होगा है ना, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया मेरे से, ये वैल्यू हमारे पास आई है 3/4, तो मैं ऐसे कहूंगा कि ये नहीं होने वाला है, 3/4 है, तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो ये √7/4 आने वाला है, सॉरी, तो ये √7/4 होगा। तो हम यहाँ पे जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू पुट करने वाले हो तो आ जाएगा √7/4, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, टी अपॉन टू फोर माइनस रूट सेवन की वैल्यू होती है बेटा 2.7 अपॉन फोर, तो यहाँ आप देख सकते हो ये वैल्यू आएगी 1.3/8 इंटू टोटल एनर्जी आ गया। अब जब आप इसको निकालोगे तो आपको दिख रहा है ये ऑलमोस्ट, अब जब इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज कितना हो गया, 1.3 टोटल एनर्जी / 8 / टोटल एनर्जी इंटू 100 किया, तो बेसिकली टोटल एनर्जी से तो टोटल एनर्जी कैंसिल 1.3/8 × 100, तो आप यहाँ देख सकते हो ऑलमोस्ट पूरी बार नहीं कट रहा है, डबल बार है ना, तो हम ऐसे कह सकते हैं 20% से कम आने वाला है आंसर, कितना आने वाला है 20% से कम, और हमें ऑप्शन में डी दिख रहा है कि जो 17% है वो इसके नियरेस्ट होगा। आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हो पर मैंने ऑप्शन का सहारा लिया है, अब समझ में आ गया सभी बच्चों को, आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ होगा, किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। सर आपने साइन आईसी निकालने के लिए किसको इक्वेट किया? बेटा साइन आईसी के लिए मैंने डायरेक्ट, आप चाहते तो फॉर्मूला भी लगा सकते थे, ठीक है, साइन आईसी इज इक्वल टू 1/μ, तो म्यू में हमारे पास वाटर का आता तो 4/3 होता, डायरेक्ट हम ऐसे भी तो कर सकते हैं साइन आईसी इज इक्वल टू 1/μ, तो म्यू में 4/3 करते तो 3 ऊपर चला जाता तो 3/4 आ जाता। मैंने ऐसे किया है कि ये म्यू वन का काम कर रहा है और ये म्यू टू का, क्योंकि रे चल रही है हमारे डेंसर मीडियम से और वो जा रही है रेयरर मीडियम की तरफ, तो जो रिफ्रेक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा ना टी आई आर के लिए। एनी डाउट, और किसी का कोई डाउट है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला हुआ है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, तो हम यहाँ पे बना देते हैं कि ये हमारा एक कॉनकेव मिरर हो चुका है, ठीक है, उससे कितनी डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है।
एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इट्स रियल इमेज इज फाउंड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। अब रियल इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि मिरर के सामने ही इसकी इमेज फॉर्म हो रही है। इफ ऑब्जेक्ट इज मूव्ड बाय 0.1 सेंटीमीटर, और आप लोगों को पता होगा बेटा, मैंने आपको बताया भी था कि 1/v + 1/u = 1/f मिरर फॉर्मूला होता है। जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का इतना कम हो कि वो उसकी डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम हो, तो आप डायरेक्ट क्या किया करो, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया करो, यानी -1/v² dv/dt - 1/u² du/dt = 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि dv/dt = -v² u² du/dt। तो अब यहाँ देखो, शिफ्ट इन इमेज पूछा है, तो dv/dt इज शिफ्ट इन इमेज, माइनस v कहाँ बन रहा है, रियल इमेज 20 पे, तो यहाँ -20, ठीक है, डिवाइडेड का स्क्वायर, u कितना है हमारे पास -10 का स्क्वायर, इंटू कितना है 1.1 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ देखोगे कि माइनस में आएगा ये, और ये वैल्यू आने वाली है हमारे पास 4 टाइम्स, यानी 0.4 सेंटीमीटर। पर आंसर आपसे पूछा हुआ है एमएम में, तो 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 मिलीमीटर होते हैं, तो आंसर हमारे पास 4 mm आ रहा है। तो हम यहाँ पे आंसर फिल कर सकते हैं, 4 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ प्लस माइनस ऐसा कुछ पूछा नहीं है, इसलिए अपने को प्लस 4 ही करना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन है नहीं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Any doubt? Now, next we are moving towards next question. As you can see, नया question जो है वो आप लोगों को ये दिया हुआ है। A prism of refractive index root of 3/2 and refracting angle 45 is placed in air. One of two refracting surface of prism is silvered and a ray of monochromatic light. Enters the prism from the other face. अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रिज्म बना देते हैं ये सारा कुछ, ठीक है। और आपको बोला हुआ है ये एंगल जो है वो 45 डिग्री है, और यहाँ आपको बोला हुआ है कि ये जो सरफेस है वो आपने क्या कर दिया है, सिल्वर कर दिया है, यानी ब्लैक पॉलिश कर दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि लाइट जो है वो एंटर कर रही है फ्रॉम प्रिज्म and the other face at an angle theta, ठीक है। If the ray retraces its path, then what is the value of theta? Theta की यहाँ पे value क्या होने वाली है? तो obvious सी बात है, जब आप यहाँ पे ऐसे मान लो कि कुछ इस तरीके से गई है, ये enter ऐसे कर रही है, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, normal, ये angle में बोल देता हूँ theta है। अब ये यहाँ से refract हुई, यहाँ से क्या हो गई, refract, तो refract होके वो ऐसे गई। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 90 डिग्री का एंगल है ना, इफ लाइट इंसिडेंट ऑन सेकेंड सरफेस पे अगर वो इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली, तो वह क्या होगा, रिट्रेस होने वाला है, रिट्रेस होगा तो 90 डिग्री का एंगल होगा, तो बेटा ये 45, तो ये भी कितना हो गया हमारे पास 45। इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर रिफ्रेक्टेड एंगल 45 है तो उसी की कंडीशन निकाल लें। अब लगाओ म्यू वन कितना है 1, इंसिडेंट एंगल साइन थीटा, म्यू टू कितना है √3/2 और साइन 45, कितना इजी हो चुका है, बस कंसेप्ट पकड़ना है। तो साइन थीटा की वैल्यू यहां से आप देख सकते हो √3/2 आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू यहां से हमारे पास क्या आ चुकी है 60 डिग्री, यानी इस एंगल पे अगर इंसिडेंट होगी तो कंफर्म है कि लाइट क्या होने वाली है, रिट्रेस करने वाली है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सर, 45 डिग्री एंगल आपने डिसाइड कैसे किया था इंसिडेंट लाइट का वहां पर? एक्चुअल में जैसे मान लो कि यहां से ये लाइट आई है, मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये आई, जानी तो ऐसे चाहिए थी पर ये ऐसे गई कि ये इसके लिए 90 डिग्री एंगल हो गया, ये जैसे जाएगी वैसे ही रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी,
ये 90 डिग्री का एंगल हुआ, ये 45 हमारे को दे रखा है ना उसने रिफ्रैक्टिंग एंगल प्रिज्म का, तो ये भी कितना हो गया 45, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45, इसलिए मैंने यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल को क्या ले लिया 45। चलो नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स, अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अ प्रिज्म एज यू कैन सी, तो आप लोगों को दिख रहा है a glass prism is immersed in a water as shown in the figure when a beam of light incident normally on the face AB, AB face pe normal incident ho rahi hai, it is internally reflected from the surface AD. If the refracting index of glass is 1.5, that of water is 4/3, then तो आपको थीटा की वैल्यू पूछी हुई है, तो देखो ध्यान से आप लोग अगर समझे तो नॉर्मली इंसिडेंट होने का मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि लाइट ऐसे आई, ये एग्जैक्ट नॉर्मल तो नहीं है पर आप लोग समझ सकते हैं ना। अब अगर ऐसे 0 डिग्री का इंसिडेंट एंगल होता है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा, इसका मतलब यहां से लाइट ऐसे जाने वाली, लाइट ऐसे जाने वाली, ठीक है। अब यहाँ इस वाली सरफेस के लिए मैंने नॉर्मल यू बना दिया, ये हमारे पास दूसरी वाली सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल हो गया। अब उसने कहा है कि रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं ना बेटा कि साइन आई, ठीक है। अच्छा अब आपको दिख रहा है कि आई और थीटा में मैं रिलेशन कैसे निकालूं, ये हमारे पास 90 माइनस थीटा हो गया, तो आप कह सकते हो कि थीटा और आई बराबर होने वाले हैं, थीटा और आई क्या होने वाले हैं बराबर, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से। तो आप ऐसे भी कह सकते हो साइन आई बोलू या साइन थीटा बोलू, है ना। तो थीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो यहाँ रिफ्लेक्शन होने वाला, तो दोनों तरफ साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू साइन आई सी, और साइन आई सी की वैल्यू 1/μ रिलेटिव होती है, और म्यू रिलेटिव की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि इट इज म्यू हायर अपॉन म्यू लोअर, म्यू हायर कौन सा है बेटा 3/2 और म्यू लोअर कौन सा है 4/3, तो आप देख सकते हो कि 9/8 आ रहा है, यहाँ पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 8/9, तो साइन थीटा अगर मिनिमम की कंडीशन में देखें तो 8/9 आया, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगी 8/9 यहाँ पे आने वाली, तो यहाँ थीटा की जो आंसर आने वाला है वो ये आएगा। Is that clear to everyone? किया क्या है हमने, सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग हैंड टू हैंड पूछ लिया करो कोई भी डाउट हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ, आप लोगों ने पढ़ा होगा डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया भी था, आपको बोला हुआ है कि एक थिन प्रिज्म है जिसका एपेक्स एंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है, और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें 1.5 दे रखा है, ये म्यू वन जो है ना वो बेसिकली मीन दे रखा है, मीन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, है ना। अनदर प्रिज्म ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू टू 1.75 कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, अब देखो आपको मैंने बताया था कि अगर दो प्रिज्म को हम ऐसे लगाते हैं कि एक को सीधा और एक को उल्टा लगाते हैं, है ना, वहां पे आपकी कैलकुलेशन कैसे होने वाली, ये A1 हो गया और ये A2 हो गया, तो प्रोड्यूसेस डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, है ना, विदाउट क्या आने वाला है, विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन, इसका मतलब del1 + del2 की वैल्यू 0 होने वाली। अब थिन प्रिज्म के लिए आप क्या लिखोगे कि μ1 - 1 into A1 + μ2 - 1 into A2 = 0, तो म्यू वन की वैल्यू कितना है बेटा 1.5 - 1 into 5 डिग्री प्लस म्यू टू की वैल्यू 1.75 - 1 into A2 = 0, तो यहाँ देखो आपकी वैल्यू क्या आ गई 2.5 degree = -3/4 into A2, यहां से A2 की वैल्यू क्या आ गई 2.5 into 4 divided by 3, तो ये हमारे पास कितना आ चुका है 10/3 degree। और अगर वो आपसे पूछते हैं कि साइन क्या होगा तो ये माइनस साइन ये बता रहा है कि सेकंड वाला जो प्रिज्म है आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा लगाना पड़ेगा, दिस साइन इंडिकेट दिस। क्वेश्चन क्लियर है सभी बच्चों को?
ये मैंने ऐसा का क्वेश्चन आप लोगों को कराया हुआ भी है, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन वाला। जब हमारे को डेविएशन को जीरो करना रहता है तो हम वहां पे डेल वन प्लस डेल टू करते हैं, और डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन में क्या करते हैं कि हम वहां पे डिस्पर्सिव पावर को जीरो करते हैं। डिस्पर्सिव पावर का आपको फॉर्मूला पता ही है ना, जो मैंने आप लोगों को बता भी रखा है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ठीक है, क्लियर है। चलो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दे रखा है कि कॉन्वेक्स रियर व्यू मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर आप लोगों को पता है कि कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ आपको कितना दे रखा है बेटा, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। इज फिटेड इन ए कार, ए सेकेंड कार 2 मीटर ब्रॉड एंड 1.6 मीटर हाई एंड 6 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट कार। मतलब मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ एक कार है जो कितना है, 6 मीटर अवे है, यहाँ से 6 मीटर अवे। ओवरटेक द फर्स्ट कार विद रिलेटिव स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपसे ये पूछा हुआ है द स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ सेकेंड कार विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट कार। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था आपको कि मिरर का फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f होता है। यहाँ आएगा -1/v² dv/dt, -1/u² du/dt = 0 आएगा। ठीक है, तो ये जब वैल्यू आएगी तो कितना आ जाएगा, अभी मैंने बताया था कि dv/dt ये जो वैल्यू आती है वो -v² u² du/dt आती है। ठीक है, अब यहाँ du/dt की वैल्यू उसने पहले से ही दिया हुआ है कि पहली कार जो है कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 15 मीटर पर सेकंड से। अच्छा, मुझे v भी निकालना पड़ेगा, तो 1/v = सॉरी -1/u + 1/u = 1/f। ये आएगा 1/v - u की वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे को, तो 6 मीटर अवे है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 6 मीटर अवे। तो मुझे यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और ये वाली मीटर के अंदर है, तो मैं सेंटीमीटर में कर लेता हूँ तो बेटर रहने वाला है यहाँ, है ना। तो फोकल लेंथ जो होती है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/20, और आप लोगों को पता होगा कि ये पॉजिटिव रहती है कॉन्वेक्स के लिए, है ना। यहाँ यू की वैल्यू नेगेटिव रखोगे इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/600 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मत सोचना कि इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, वी की वैल्यू आप देखोगे कितना आ जाएगा, 600 कैल्शियम आएगा डिवाइड बाय 31 सेंटीमीटर, ये हमारे पास वी की वैल्यू आ चुकी है। तो अगर मेरे को वी बाय यू की वैल्यू चाहिए है ना, तो वी बाय यू की वैल्यू क्या आ जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 31 डिवाइडेड बाय u। u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -600, ये हमारे पास 600 आएगा, वैल्यू कितनी आ गई, 1/31। आप सोच रहे हो कि सर यहाँ विद साइन क्यों नहीं लिया है, विद साइन भी ले सकते हो बट स्क्वायर में अपने को कोई फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं आएगा। तो देखो dv/dt = -v/u का स्क्वायर यानी 1/31 का स्क्वायर इंटू du/dt हमें 15 दे रखा है। अब देखो आप सोच रहे होंगे ना कि ये क्यों दिया हुआ है सर, कुछ काम का नहीं है ये, क्योंकि स्पीड की बात करी ना आप लोगों से, स्पीड तो जो होगी वो एक ही डायरेक्शन में है ना, तो जब तक वहां पे मिरर की स्पीड नहीं आ रही है यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। यहाँ देखो कितना आ गया हमारे पास, -15/31 का स्क्वायर जब आप करोगे तो वो कितना हो जाता है, 31 × 31 तो 961 आ जाएगा, ये आ गया 961। तो आप ऑलमोस्ट इसको 1000 ले लो यार, तो 1000 लोगे तो ये -0.015 के अराउंड आना चाहिए। ये हमारे पास जब देखोगे तो वैल्यू दिख रही है 0.016 हमारे को दिख रहा है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे क्या आने वाला है, करेक्ट होने वाला है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, एनी डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो
अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन करा है इससे रिगार्डिंग किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है। ए बेटा किसी को कोई डाउट? बोल सकते हो आप लोग, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले, क्योंकि अब थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं है? अगर किसी को कोई डाउट नहीं हो तो रेज योर हैंड। तो वी स्क्वायर बाय यू के फॉर्मूला में 600/31 का स्क्वायर नहीं किया आपने? हाँ वी स्क्वायर बाय यू नहीं है बेटा, ये वी बाय यू किया है ना मैंने, तो यहाँ वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर में तो ये पुट किया है, वी बाय यू का स्क्वायर करेंगे ना अपन। मैंने वी बाय यू की वैल्यू निकाल ली, फिर उसमें वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट 1/31 का स्क्वायर कर दिया ना। समझे कि नहीं समझे? ये वी अपॉन यू था, तो वी की वैल्यू 600/31, यू की वैल्यू 600, तो ये 1/31 वी बाय यू की वैल्यू है। मुझे वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर करना है, तो मैंने 1/31 का स्क्वायर कर दिया। ओके क्लियर है? आगे बढ़े हम, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो यस सर। रेज योर हैंड। ओके नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज गिवन, ए स्फेरिकल मिरर इज प्लेस 10 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे वाटर लेवल बना देता हूँ, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, तो हम इसको डायग्राम बनाते हुए चलेंगे तो बेटर रहेगा। ये हमारा हो चुका है कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर है, पता नहीं है कौन सा है। ठीक है, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता है क्या लेना है, पर ज्यादातर प्रैक्टिस में हमारे कॉनकेव होता है, तो मैंने कॉनकेव बना लिया। मैं वापस नहीं मिटाने वाला हूँ इसलिए मैंने बना दिया ना। ये हो गया 10 सेंटीमीटर, वाटर सरफेस से हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है। पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर 30 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस, यानी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ कौन रखा हुआ है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओ जिसे मैं बोल देता हूँ, ऑन द एक्सिस ऑफ द मिरर। ये एक्सिस ही है, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस जहां से पास कर रहा है ना उसी लाइन में रखा हुआ है। सच दैट टू इमेजेस सीन बाय ऑब्जर्वर अबाउट द वाटर सरफेस ऑन साइट, है ना, जो ऑब्जर्वर को यहाँ पे जो दो इमेज दिख रही है ना, वो आपस में क्या कर रही है, कॉन्साइड कर रही है। द इमेजेस आर फॉर्म बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन एट द सरफेस एंड ड्यू टू इमर्जिंग लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। पहले तो ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा कि पार्शियल रिफ्लेक्शन से यहाँ दो इमेजेस जो बन रही है, तो उसने पहले से स्पेसिफाई कर दिया, द इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन एट द वाटर सरफेस। वाटर सरफेस से क्या हो रहा है, उसका पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, और दूसरा उसने क्या बोला हुआ है, ड्यू टू इमर्जिंग लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपसे कोई कहे इस जगह पे कि इमेज कहाँ बनने वाली है, ये क्या होगा, तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले मुझे यू की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यू की वैल्यू के लिए आपने देखा होगा, मैंने आपको बोला भी था पहले, जब हम डेंसर से रेयरर की तरफ जाते हैं तो डिस्टेंस जो होती है वो क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। डिस्टेंस की वैल्यू जो आने वाली है बढ़ने वाली है, और वो कैसे होगी, 10 सेंटीमीटर तो किसकी, ये वाली डिस्टेंस होगी, और एयर की डिस्टेंस है, एयर की डिस्टेंस होगी, देखो जब यहां से रे चलेगी, ये यहां से जानी ऐसे चाहिए थी, पर वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है ना, तो ये पीछे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ उड़ जाएगा ना, शिफ्ट आ जाएगी, तो शिफ्ट कितनी आने वाली, तो 30 अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ पे म्यू से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो एक्चुअल में टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, है ना, तो एक्चुअल में टोटल डिस्टेंस आएगी, तो ये 40 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये 40 सेंटीमीटर आ जाएगी।
इसका मतलब एयर की जो डिस्टेंस होगी वो वाटर के लिए कितनी हो चुकी है, 40 सेंटीमीटर, जब मीडियम से आप देख रहे होंगे। अब जब मीडियम से आप देख रहे हो 40 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर पहले से ही मिरर से है, तो टोटल यू की मैं बात करूं तो बेटा -50 सेंटीमीटर आ चुकी है। जो ये -50 सेंटीमीटर है, और क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो इमेज है, सबसे पहली चीज क्या बोली, देखो ये लाइन अगर हम पढ़े, टू इमेजेस सीन बाय ऑब्जर्वर अबव द वाटर सरफेस ऑन साइड, है ना, जो वाटर सरफेस से जो इमेजेस बन रही है वो आपस में क्या हो रही है, कॉन्साइड कर रही है। ठीक है, तो कॉन्साइड कर रही होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि वो किस जगह पे बन रही है, 30 सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे बन रही होगी, तो वी की वैल्यू हमारे पास 30 सेंटीमीटर हो चुकी है कॉन्साइड करने के लिए। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, वी पता है, यू पता है, तो 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v, अब v की वैल्यू +30 होगी, तो ये 30 माइनस u की वैल्यू 1/50, ठीक है, इज इक्वल टू 1/f। यहाँ जब हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ चुका है हमारे पास 150, ये आ जाएगा 5 - 3, 1/f इज इक्वल टू -2/150, तो f की वैल्यू बेटा -75 सेंटीमीटर आया। तो पहली चीज जो मैंने माना था वो तो बिल्कुल करेक्ट है, क्यों, क्योंकि मैंने कॉनकेव मिरर माना था और इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आई है। ठीक है, दूसरी चीज जो है वो यहाँ मैंने फोकल लेंथ की जो वैल्यू निकाली है जो कि एग्जैक्ट निकल के आई है, तो इसका आंसर 75 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना, ये वाला सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे, इसलिए आप लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा। किसी को कोई डाउट? सर, कोइंसाइड करने के लिए इमेज की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर ही क्यों ली? देखो, उसने यहाँ पे जो बोला हुआ है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर 30 सेंटीमीटर अबव द वॉटर सरफेस ऑन द एक्सिस ऑफ मिरर सच दैट टू इमेजेस सीन बाय एन ऑब्जर्वर अबव द वॉटर सरफेस कौन साइड, अबोव द वॉटर मतलब ऑब्जर्वर जो है वो कहाँ पे है, वॉटर सरफेस के ऊपर की तरफ है। ठीक है, और वो जो इमेजेस है वो क्या कर रही है, कॉन्साइड कर रही है। अब कैसे कॉन्साइड कर रही है, फाइनल इमेज जो होगी वो किधर आनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर बिलो आनी चाहिए, आएगी कि नहीं आएगी, तभी तो जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो, इसकी इमेज जो होगी वो कहाँ बन रही होगी, बिल्कुल इतनी ही यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पे, रिफ्रैक्शन की वजह से जो आप कह सकते हो, है ना भाई। अगर मैं आपसे यहाँ पे सीधे सीधे ऐसा कहता कि ये वाली डिस्टेंस कितनी आने वाली है, तो आप ये कहोगे ना कि जैसे अपन लोग नहीं करते क्या कि ये वॉटर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी इमेज यहाँ कहीं बन रही होगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, तो वो 40 सेंटीमीटर आएगी ना डिस्टेंस, अभी मैंने आपको निकाली थी ये 40 सेंटीमीटर, तो ये 10 तो पहले से ही है ना बेटा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे हमारी एक इमेज बन रही होगी जो कि रिफ्रैक्शन की वजह से हो रही होगी। समझ में आया कि ये टोटल जो 30 सेंटीमीटर की थी पर वो वाटर की डिस्टेंस की वजह से टोटल कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। अब वो मिरर से 10 सेंटीमीटर, तो मतलब ये सरफेस से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस आई है, तो ये 10 तो पहले ही है, तो मिरर से वो डिस्टेंस कितनी हुई, 30 हो गई ना, तो वी की वैल्यू हमने वो निकाल ली। ओके सर, ठीक है, और किसी का कोई डाउट? यू आर नाउ अनम्यूटेड। अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कि वो 30 सेंटीमीटर वी क्यों आ रहा है। हमारी वॉइस बहुत कम आ रही है जिसने भी बोला। यू आर नाउ अनम्यूटेड। ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वी 30 सेंटीमीटर ही क्यों लिया है अभी भी। अच्छा, ये क्लियर नहीं हो रहा, ये क्लियर नहीं हो रहा है कि आपके 30 सेंटीमीटर क्यों आ रहा है, You are now unmuted. यही पूछ रहा है यही क्या? पूछ रहा है क्या? Yes, sir.
अच्छा बेटा अच्छा जरा बेटा देखो मेरा यहाँ ये मेरी रिपीट क्यों हो रही है वॉइस। अब मेरी आवाज आ रही सभी को? You are now unmuted. Yes, sir. हाँ तो देखो the image formed by partial reflection at the water surface लिखा है ना इसने, ये देखो ना partial reflection, reflection में क्या होता है जितनी distance मतलब ये जो water surface है ना वो किसकी तरह काम कर रही है, एक mirror की तरह काम कर रही है और ड्यू टू इमर्जिंग लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर दो इमेजेस बन रही, मतलब एक टाइप से उसने यूं कहा है कि जो वाटर सरफेस है ना इसको आप रिफ्लेक्शन कंसीडर करोगे तो ये प्लेन मिरर हो गया ना, तो बननी इसकी 30 सेंटीमीटर नीचे ही चाहिए थी पर वो तो वाटर की डिस्टेंस हो गई ना, तो वाटर की डिस्टेंस हो गई तो वो क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर दिखेगी ना बेटा हमें, तो वो वाली चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। अब समझ में आया? You are now unmuted. Yes, sir. Partial reflection की वजह से ऑब्जेक्ट जो था जितनी डिस्टेंस पे उतनी डिस्टेंस पे इमेज है, होनी तो 30 पे चाहिए थी, तो वो दिखेगी कितने पे क्योंकि वाटर की डिस्टेंस है तो वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, 40 हो गई तो वो 10 पे तो पहले से मिरर रखा हुआ तो मिरर से कितनी डिस्टेंस पे हो गया 30 सेंटीमीटर, इसलिए वी की वैल्यू 30 ले लिया है आप। और किसी का कोई डाउट है? चलो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। एज यू कैन सी यहाँ पे अलग अलग तरीके का नया डायग्राम बन रहा है, आप लोगों को इसका सॉल्व करना है ना। आप लोगों को क्या बोला हुआ है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है फिल्ड विद वाटर जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया हुआ है, इज क्लोज्ड एट इट्स बोथ एंड बाय टू थिन सिल्वर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एज शोन इन फिगर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ L1 एन L2 आर 2 and 1.5, ठीक है L1 और L2 के कितने दे रखे हैं 2 और 1.5 है, वाइल देयर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, तो इनको लिख लेते हैं हम, यहाँ की वैल्यू जो है वो तो 2 दे रखी है और ये 1.5 दिया हुआ है, ऐसे ये वैल्यू हमारे को 5 दिया हुआ है और ये वाली वैल्यू हमारे को 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस समवेयर at point O on the axis of cylindrical tube. It is found that all images formed by multiple refraction and reflection coincide with the object. Then the distance between both the lenses is equal to the. ठीक है, ये काफी एक अलग क्वेश्चन हो चुका है जैसा आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, है ना। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या होने वाली है, अगर आप यहाँ थोड़ा इसको समझेंगे तो यहाँ देखो क्या होगा, सबसे पहले हम L1 से बात करते हैं क्योंकि इसने कहा है कि O से जो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हो रहा है सारी इमेजेस जो है वो कॉन्साइड कर रही है, ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का मतलब क्योंकि ये मीडियम में रखा हुआ है ना, तो ये जब यहाँ से इसका पहले क्या होगा, ये स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, दैट इज जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये μ2 upon v minus μ1 upon u is equal to μ2 minus μ1 upon r, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। तो क्या करेंगे भैया, तो हम यहाँ पे जब अप्लाई करने वाले हैं तो क्या आएगा, तो थोड़ा देख लेते हैं, तो बाहर वाले मीडियम में जा रहे हो आप तो वो μ1 हो चुका है क्योंकि इधर वाला है ना, जब हम यहाँ से 1 की तरफ कंसिडर कर रहे हैं तो 1 की तरफ में क्या आ जाएगा μ1 upon v। तब मुझे बताओ जब यहाँ v की बात करोगे तो v कहाँ हो जाएगा, फाइनल इमेज जो बनने वाली है वो कहाँ बनेगी, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि इससे ये कॉन्साइड करे तो कॉन्साइड करने के लिए क्या होने वाला है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करनी चाहिए, पैरेलल मूव करनी चाहिए। देखो ये क्या होगा, जब ये यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ तो रिफ्रैक्शन होने के बाद ये रे पैरेलल होनी चाहिए, तभी तो ये टकरा के वापस आ रही होगी और ये
इधर के बाद इसकी इमेज क्या हो जाएगी, कॉन्साइड कर जाएगी, क्योंकि इधर की तरफ वाला जो मिरर है ना वो सिंपल यानी प्लेन मिरर है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि फाइनल इमेज जो बनने वाली है वो इन्फाइनाइट में बने, समझ में आया। फिर माइनस म्यू वन जो आने वाला है ये म्यू ऑफ वाटर आएगा, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं बेटा कि ये एक्स है, यहाँ एक्स की जगह मैं माइनस एक्स कर दूं, क्योंकि आपको पता ही ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे की डायरेक्शन जो होती है पॉजिटिव रहती है। फिर म्यू वन माइनस म्यू डब्ल्यू अपॉन आर यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखो 4/3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा, म्यू वन की वैल्यू उसने दिया हुआ है 2 है ना, तो 2 माइनस 4/3 अपॉन आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखो ये 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 4 तो 2/3, तो 4 अपॉन 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2/3 इंटू 5। तो यहां से आप देखोगे 3 ने 3 को काटा, इसने इसको 2 टाइम्स एक्स की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ चुकी है। अभी तो इधर से तो डिस्टेंस पता लग रही, अब दूसरी तरफ से डिस्टेंस हम बोल देते हैं कि ये वाली डिस्टेंस जो है वो वाई है, तो मेरे को तो दोनों के बीच की सेपरेशन निकालनी है ना। अब वापस से यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो अब यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ हमें दिख रहा है कि ये अगर रे ऐसे जाए है ना और इससे रिफ्रैक्शन हो, तो यहाँ पे इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें इस वाली सरफेस के लिए क्या दिख रही है, इनफाइनाइट दिख रही है ना। तो यहाँ मैं क्या अप्लाई करूंगा कि जब म्यू टू की बात करूंगा तो म्यू टू है ना, और ये कहाँ रखा हुआ हो, जब आपसे पूछा जाए कि यू की वैल्यू यहाँ क्या आने वाली है, भी ये इसकी ये सरफेस से जब होगा रिफ्रैक्शन तो ये इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी इमेज, तभी तो कॉन्साइड करेगी ना बेटा, क्योंकि देखो ये रे से गई फिर इसका रिफ्रैक्शन होगा, और इससे बनने वाली इमेज अगर इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे होगी तभी तो रिट्रेस करती ही पाथ, तो रिट्रेस करेगी, तो यहाँ वी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जानी चाहिए, माइनस आर आ जानी चाहिए, माइनस म्यू वन की वैल्यू ये वाटर में रखा हुआ है तो म्यू डब्ल्यू और डिस्टेंस माइनस वाई इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू डब्ल्यू अपॉन आर, ये जो प्लेन वाली सरफेस है उसके लिए इनफाइनाइट होगी। तो देखो म्यू टू की वैल्यू हमारे पास 1.5 हो चुकी है ना, और ये आर की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये 9 सेंटीमीटर हो गया माइनस में, और ये प्लस देखो 4/3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ से देखो 4 अपॉन 3 वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 इंटू 9, ये देखो ये 3 ये 3 मिलके 9 कटा, तो y की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो x प्लस y की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, दैट वुड बी द आंसर। किसी को कोई डाउट हो तो वो वापस पूछ सकता है। समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। देखो ये सेशन इसीलिए है कि अगर आपको कोई डाउट आता है तो वो आप लोग पूछ ले, इससे दूसरे को भी फायदा हो कि वो कोई भी डाउट अगर इसके रिकॉर्डेड वीडियो को देखते हैं तो उनको भी समझ में आ जाए। सीधा सा सिंपल सा मैंने यहाँ से ये किया है कि ये ओ पॉइंट में जब मैं लेफ्ट डायरेक्शन में गया तो लेफ्ट डायरेक्शन में प्लेन मिरर से रिट्रेस के लिए क्या करना पड़ता है, नॉर्मल इंसिडेंस हो वो यूज किया, यानी वी की वैल्यू इनफाइनाइट कर दी। दूसरे वाले में मुझे पता है कि इधर कर्व है, कर्व में रिट्रेस का पाथ तभी होता है जब उसके कहाँ पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की इक्वल होती है, ठीक है। ओके नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नया क्वेश्चन आपको जो दे रखा है वो प्रिज्म पे ही बेस्ड है, प्रिज्म पे जो बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप लोग देखो। आपको ये दे रखा है कि ऐसा कुछ है और यहाँ से आपको 90 डिग्री दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं यहाँ पे ये ऐसे बना दो नॉर्मल तो ये एंगल कितना होने वाला है, ये 30 हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री पे ही इंसिडेंट एंगल है। अब हम पढ़ते हैं, लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन फेस ए बी ऑफ प्रिज्म एज शोन इन फिगर, ए लेयर ऑफ लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज अप्लाइड ऑन ए सी
prism. If the prism is made of glass of refractive index 3 by 2, then limit of mu for which total internal take place. अगर इस 60 डिग्री को मैं थीटा बोल देता हूँ, लेट सपोज, तो थीटा की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन आईसी होना चाहिए ना, है ना? अगर हम यहाँ पे बोले तो ये आना चाहिए. और आपको ये भी पता ही है कि जब दोनों तरफ साइन थीटा लूंगा तो साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू साइन आईसी. और साइन आईसी की वैल्यू अगर हम बात करें तो वो 1/μ रिलेटिव होने वाला है, या हम ऐसे कह सकते हैं म्यू ज्यादा अपॉन म्यू कम, ये आने वाला है. तो 1/μ ज्यादा, ठीक है. ऑब्वियस सी बात है कि 3/2 जो होगा वो ज्यादा रहने वाला है, और ये जैसे 3/2/μ, तो आप ऐसे कह सकते हो कि साइन आई सी की वैल्यू 2μ/3 आप कह सकते हो, तो 2μ/3 आ जाएगी. तो अब दोनों तरफ वैल्यू हमने रख दिया, तो साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री मस्ट बी गेट इक्वल टू 2μ/3. तो यहाँ √3/2 होती है वैल्यू, मस्ट बी गेट इक्वल टू 2μ/3. आप देख सकते हो कि म्यू की वैल्यू लेस देन 3√3/4 आ रहा है, तो मिनिमम कंडीशन में 3√3/4, यानी हम ऐसे कह सकते हैं 0.75 × 1.73, जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर निकलेगा आप लोग निकाल सकते हो, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है. बोलो भाई, और अगर नहीं है तो रेज योर हैंड. चलो, ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन जो आप लोगों को दिख रहा है. ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप लोग इजीली कर सकते हो. आपको दिख रहा है कि एक लेंस और एक मिरर का कॉम्बिनेशन दे रखा है, फोकल लेंथ आपको दी हुई है, आपसे पूछा हुआ है कि ये क्या होने वाला है. मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है. तो आज का जो सेशन था वो रिफ्रैक्शन और प्रिज्म वाले पार्ट तक था. नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर आप लोगों के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और लेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क पे कर सकते हो. ठीक है, सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट?